हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथसन पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का एग्जांपल नंबर 17 एंड एग्जांपल नंबर 18। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 शुरू करते हैं। इसमें है, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स। मतलब हमें गिवन है, एक सर्कुलर पार्क गिवन है हमें, और हमें ये बोला गया है कि उस सर्कुलर पार्क का जो डायामीटर है वो 13 मीटर का है, और हमें एक पोल इरेक्ट करना है इसमें इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। और हमें वो ऐसे फिक्स करना है कि सपोज ये डायमीटर है, तो इसके यहाँ पर मतलब एक इस साइड पे और एक इस साइड पे दो गेट लगे हुए हैं, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। मतलब अगर हम इसको ऐसे मिला दें और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर गिवन है ये हमें। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ येस, एट वॉट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू गेट शुड बी शुड द पोल बी इरेक्टेड? तो इसमें बोला गया है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि ये 13 मीटर जो है ये इसका डायमीटर गिवन है, यहाँ पर दो गेट्स हैं, और इन गेट्स से हमें एक ऐसे पॉइंट पे पोल इरेक्ट करना है जिससे कि इन दोनों जो ये दोनों साइड्स हैं इनके बीच का डिफरेंस 7 मीटर हो। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7 मीटर गिवन है। तो अगर हमने AP को X मान लिया तो 7 मीटर डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7, और ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ लिखिए, इन ट्रायंगल ABP हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 13 स्क्वायर। बेस कितना है आपका, एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169। इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे आप, तो अब यहाँ देखिए ये क्या आ गया, 2x² प्लस 14x, ये 169 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, मतलब माइनस का साइन आएगा क्योंकि 169 माइनस का है। -120 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 7x -60 इक्वल टू 0। तो अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उससे रूट्स आ जाएंगे -B। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार आपको लिखना भी पड़ेगा इसमें कि आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है -B प्लस माइनस B² माइनस 4AC का स्क्वायर रूट अपॉन 2A। तो B क्या है, 7 प्लस माइनस B² माइनस 4AC। 7 7 सा 49, माइनस 4, A की जगह 1 और C की जगह 60, माइनस का 60 अपॉन 2 इंटू ए। अभी आ गया -7 प्लस माइनस 49 प्लस 2 40 अपॉन 2, -7 प्लस माइनस 9 289 अपॉन 2। अब जो 289 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 17 का स्क्वायर रूट। अब 17 इंटू 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। तो अब ये दो रूट्स आ गए, -7 प्लस -17/2। तो अब देखिए, जैसे -7 प्लस 17/2 और -7 -17/2, तो ये हो गया 10/2, ये हो गया -21/2, सॉरी -24/2, ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस का 12। तो अब आप देखिए, जो भी डिस्टेंस है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5, और 5 आपने किसको माना था, एक्स माना था ना, एक्स की वैल्यू आई है 5, तो AP 5 आ गया, तो BP क्या आ जाएगा, 7 प्लस 5। AP 5 आ गया और BP आ गया आपका 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या ऐसे पोल इरेक्ट करना पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हैं येस,
it is possible. बस यहाँ पर ही खत्म होता है. अब एग्जाम्पल नंबर 18. एग्जाम्पल 18 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बाद हमें बताना है कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को ax² + bx + c से कंपेयर करना पड़ेगा. तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की -2 आ गई और c की 1/3 आ गई. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac. b² यानी कि -2² - 4, a की जगह 3 और c की जगह 1/3. तो -2² 4 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स. और ये जो रूट्स वाला फॉर्मूला था ये मैंने आपको इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें. अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे. तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4.4 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे. तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें. और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.